Hello students, how are you all? I hope you all are well. Students, we have done the reading of our chapter. What's the name of our chapter? I'm not scared anymore. And today we will do the book work of our chapter. And you have to try to give the answers. Okay, shall we start? Yes, students. What's our today's part? C. Tick the correct answer. Here you have to tick the correct option. First question. Amit kya tha? Good at his work and at sports. Kya wo apne work mein aur sports mein achha tha? Ya a mean boy tha? Ya not afraid of anything? Ya wo kisi se nahi darta tha? What's the right answer? A option. Good at his work and at sports. वो अपने works में और sports में कैसा था? अच्छा था. लेकिन वो mean boy नहीं था. और वो क्या? वो किसी से नहीं डरता था. वो डरता था. किससे डरता था? Darkness से. Now come to our second question. Amit's teacher announced that they were going. Amit के teacher ने क्या announce किया कि वो कहाँ जा रहे थे? On a camping trip. To the amusement park, to the museum. वो कहाँ जा रहे थे? Camping trip पे. On a camping trip. So tick on the A option. Okay. Now come to the third question. When he thought about the trip, Amit felt. जब उन्होंने trip के बारे में सोचा, Amit ने कैसा felt किया? Excited, scared या disappointed? कैसा feel किया था? Scared. क्यों scared feel किया था? क्योंकि उसे darkness से डर लगता था. Now come to the fourth question. When Vijay told Amit he was scared of the dark, Amit. जब विजय ने अमित को बताया कि उसे अंधेरे से डर लगता है, तो अमित ने क्या किया? Went back to sleep. वो सोने चला गया था. Laughed at him. उस पर हंसने लगा था. Made him feel better. उसे better feel कराया था. Yes. अमित ने क्या किया था? अमित ने विजय को बेटर फील कराया था. सो टिक ऑन द ऑप्शन सी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अमित प्रॉमिस्ड नॉट टू टेल एनीबॉडी अबाउट दिस इंसिडेंट बिकॉज. अमित ने क्यों प्रॉमिस किया कि वो किसी को नहीं बताएगा? ही वॉज स्केर्ड ऑफ विजय. वो विजय से डरता था? नहीं, वो विजय से नहीं डरता था. ही हैड ऑल्सो बीन स्केर्ड ऑफ द डार्क. उसे भी अंधेरे से डर लगता था. एंड न्यू. और वो जानता था कि हाउ विजय वॉज फीलिंग, कि विजय कैसा फील कर रहा है. दिस इज योर राइट आंसर. सो टिक ऑन द बी ऑप्शन. विजय वॉज अ शाय बॉय. नो, विजय तो शाय बॉय नहीं था, वो तो एक स्ट्रॉन्ग बॉय था. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव टिक ऑन द ऑप्शंस. सो फर्स्ट टिक ऑन द ए, सेकेंड टिक ऑन द ए, थर्ड टिक ऑन द बी, फोर्थ टिक ऑप्शन सी एंड फिफ्थ टिक ऑप्शन बी. Now come to the next part. Students, now open page number 95. Now your values. Students, see here. You and your friend have gone to an amusement park. Suppose करो आपका friend और आप amusement park जाते हो. You want to go on a roller coaster. तुम roller coaster पे जाना चाहते हो. But your friend is scared of heights. लेकिन आपके फ्रेंड को तो हाइट से डर लगता है. व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? यू विल फोर्स योर फ्रेंड टू राइड द रोलर कोस्टर विद यू. क्या आप अपने फ्रेंड को फोर्स करोगे? नहीं नहीं, चल 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 मेरे साथ चल, ऐसे करोगे. या बी, यू विल लेट देम स्टे बिहाइंड. उसे वहाँ बिठा कर बट मेक फन ऑफ देम फॉर बींग स्केयर्ड. और उस पर फन करोगे कि वो डर रहा है. या यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड वाई दे वर स्केयर्ड. और या तुम उसे समझने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे कि why they are scared, कि वो क्यों डर रहे हैं. एंड देन डिसाइड, और तब डिसाइड करोगे इफ़ यू शुड ट्राई एंड गेट देम टू ज्वाइन यू, कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो तुम्हें ज्वाइन करे. बेटा व्हाट इज़ योर मॉरल वैल्यूज़? आपकी मॉरल वैल्यूज़ ये कहती है यू शुड डू क्या करना चाहिए आपको? यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड. आपको ट्राई करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि why they were scared, कि आपके फ्रेंड्स क्यों डर रहे हैं, वो क्यों नहीं जाना चाहते. और फिर उन्हें समझा कर फिर अपने साथ ज्वाइन कराना चाहिए. ओके,
When we know that someone is scared, जब हम जानते हैं कि कोई डर रहा है, we must not force them to face their fear. तो हमें उसे fear को face करने के लिए force नहीं करना चाहिए और make fun of them, ना ही उस पर fun करना चाहिए. Instead, we should help them by trying to understand. बल्कि हमें यह है उसकी कोशिश करनी चाहिए उसको understand करने की, why they are scared, कि वो क्यों डर रहे हैं. Then we must help them be brave. और हमें ब्रेव होकर उनकी हेल्प करनी चाहिए. ओके बेटा, ये हमें इस चैप्टर से मॉरल वैल्यू मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड वन थिंग मोर बेटा, आपने मैम के साथ साथ ही सारा वर्क कंप्लीट करना है, लेकिन नोटबुक वर्क तभी करोगे जब आप मैम आपको फुल चैप्टर का नोटबुक वर्क पीडीएफ भेजेंगे. ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.